अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में महंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम बाबा बजरंग दास के साकेत वास के उपलक्ष्य में महंती व विशाल भंडारी का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मी नरसिंह मंदिर नवागंत महंत विमल कृष्ण दास को कंठी चादर देकर मंदिर का महंत नियुक्त किया गया। महंती का कार्यक्रम मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें अयोध्या के संत महंत शामिल हुए और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नवागत महंत विमल कृष्ण दास ने बताया कि हमें मंदिर का महंत नियुक्त किया गया है। मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास जी कृपा से यहाँ पर सभी महंतों ने अपना आशीर्वाद देकर हमें यहाँ का महंत बनाया है और इस परंपरा को निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। इस महंती के कार्यक्रम में गौरी शंकर दास महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, महंत सुरेश दास आदि सम्मानित संत महंत इस महंताई समारोह में शामिल हुए। सेवाई का मतलब होता है सेवा करना, तो सेवा का संकल्प होता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेत वासी महान श्री बजरंग दास जी महाराज जी का साकेत वास हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। तो भंडारे में सभी अयोध्या के संत महंत लोग पधारे हुए थे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बिंदु गद्दाचार्य जी महाराज, श्री दिगंबर अखाड़े से महाराज जी, परम पूज सतगुरुदेव भगवान श्री मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर, गिरीश दास जी महाराज, मनीष दास जी महाराज, तपस्वी छावनी के श्री पुजारी जी महाराज, किन संतों का नाम लें, ऐसे महापुरुष संत हैं, उनका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं। परम पूज्य हनुमानगढ़ी के श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, एकाएक संत लोगों ने विचार किया, प्राचीन पीठ है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पर महंत नियुक्त किया जाए। तो सभी लोगों ने एक सुंदर सी गद्दी का आयोजन किया, उस गद्दी पर दास को आरूढ़ किया। मेरा नाम विमल कृष्ण दास है और महानताई का संकल्प कंठी चादर उड़ा करके दिया गया और उसको निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। महानताई का मतलब सेवा है, साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, विद्यार्थी थे सेवा, अतिथि सेवा, और ये सब सेवा का संकल्प हमने लिया है गुरुदेव की कृपा से, और सेवा करते रहेंगे जब तक माता सरजू, नरसिंह भगवान और पंचमुखी हनुमान जी की कृपा है, उस प्रकार से सेवा करते रहेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।